ब्रह्म जी के घर के 150 गज का ब्रिज बन के सुखजिंदर सिंह रंधावा कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने घर से लैके गया घर जा रहे हैं। गुरु राजनीतिक गल नहीं करांगा, सिर्फ गुरु की गल करा। विरोधी पार्टी कई सवाल चुक रही हूँ, उन्होंने कितना देख रहे हैं? विरोधी पार्टी कह रही है कि पहले अपना घर का कलेश नहीं खत्म हो रहा, पहले हूँ हाईकमांड का जो फैसला वो मनना चाहिए पहले। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कितना देख रहे हो हाईकमांड का फैसला? बहुत धन्यवाद थोड़ा। मैं निखिल शर्मा, दैनिक पंजाबी टीवी एक और फिर तुहाडा स्वागत करता। पंजाब की सियासत दे विच घमासान शुरू हो गया है, एक शक्ति प्रदर्शन शुरू हो गया जिहड़ा कि कांग्रेस ही कांग्रेस दे विचकार शक्ति प्रदर्शन कर रही है। सो अज नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब प्रधान दे रूप दे विच अज पहली बार श्री हरिमंदर साहब मत्था टेकन जा रहे हैं, तो इस दौरान एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। दसिया जा रहा है कि उन्होंने घर 60 तो भी वध विधायक जड़े है वह पहुंच चुके ने। इस दे नाल इन्हां दे विच मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ते मंत्री चन्नी भी शामिल ने। यही नहीं, इस मौके दे उत्ते जिस तरीके दे बयान सामने आ रहे ने उस दे नाल साफ तौर दे उत्ते लग रहा है कि किते ना किते पंजाब दे विच कांग्रेस दे अंदर सियासी वार शुरू हो गए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इस मामले दे विच मूंह दिखाणी पई है दस्सिया जा रहा है, क्योंकि विरोध कर रहे सीगे कि जेकर नवजोत सिंह सिद्धू माफी नहीं मंगदे तां उहनां नूं प्रधान ना बनाया जाए। पहले तो वह कह रहे थे प्रधान बनाया ही ना जाए, पर जो प्रधान बनाने वाली गल के उत्ते सहमति बन गई फिर वह कह रहे थे कि जे प्रधान बनाना वा तो घट्टो घट्ट जिहड़े पिछले ट्वीट किए ने सरकार ते उंगला चक्कीआ कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उत्ते उंगला चक्कीआ उसके माफी मंगी जाए। सो जो हाईकमान ने अपना फैसला सुनाता प्रधान बना दिता गया नवजोत सिंह सिद्धू, तो हूँ एक नवा शगुफा सामने आया जिस उत्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया कि मिलेंगे नवजोत सिद्धू समा देंगे जे वो अपने किए हुए ट्वीटा के उत्ते माफी मंगन। सो इस मामले दे विच माफी मंगनी का दूर नवजोत सिंह सिद्धू अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृतसर दे विच 60 दे करीब विधायक जड़े है वह पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है, तो दसिया जा रहा है कि पहले एक गल की शंका थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल शायद ज्यादा विधायक होणगे, नवजोत सिंह सिद्धू कमजोर पै जाणगे, पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जिहड़ी सियासत वरती है उन्होंने प्रधानगी दा अहुदा लैण तों पहलां ही ज्यादातर विधायकां दे नाल संपर्क कायम कर लिया सी। अज जो उन्होंने घर मंत्री चन्नी पहुंचे तो कैप्टन के नाम के उत्ते किए गए सवाल के उत्ते उन्होंने मूँह फेर लिया, तो जो सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे उन्होंने तो कैप्टन के करीबी मंत्री ब्रह्मिंद्रा साहब के उत्ते सवाल चक दिते, क्योंकि ब्रह्मिंद्रा ने भी साफ बयान दिता है कैप्टन के हक के विच कि वह तां ही सिद्धू के नाल होणगे जेकर सिद्धू कैप्टन साहब के कहे के उत्ते अपने ट्वीटा के बारे माफी मंगणगे। सो रंधावा ने एक पुराना आसान पुराना एक मीटिंग चेते कराई है ब्रह्मिंद्रा नूं कि किवें कैप्टन साहब दे नाल उन्हां दा विवाद सी जो कि रंधावा ने निपटा दे। फिलहाल तुसीं देखो की माहौल है नवजोत सिंह सिद्धू दे घर दे अंदर ते बाहर किस तरीके दे नाल पहुंच चुके ने विधायक, ते जिस नूं सियासी हलकिआं दे विच आपसी कांग्रेस का एक नवा युग मनिया जा रहा है। फिलहाल तुसीं देख लो रिपोर्ट दैनिक मेल पंजाबी टीवी दे अमृतसर तों जसकर हनगी रिपोर्ट देखो। दविंदर को चल छोड़ कर बिल्कुल लगे सारे बात लोग दीपक फाड़ के रखे देते आंदे जो
चढ़ते पे अपने घर का पटियाले हाउस का पटियाला हाउस का सिर्फ 150 गज का फासला सीगा ते 2016 दे विच उस फासले नूं खत्म कर ली सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पहलकदमी कीती सी। ब्रह्म जी दे घर दे विच 150 गज का ब्रिज बन के सुखजिंदर सिंह रंधावा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं उन्हां दे घर च लै के गए। बड़ी मंदभागी गल आ कि जिहड़ी कल ब्रह्म जी ने स्टेटमेंट दित्ती हमेशा 72 तो लैके 72 तो लैके अज तक ब्रह्म जी और साडा परिवार इकट्ठा और असी एक कांग्रेसी परिवार होने के नाते मेरे ख्याल साड़ियाँ बहुत ज़्यादा आपस में सांझा भी ने। तो जिस वेले उन्होंने ये गल की तो मेरे मन में ठेस पहुँची आ। दूसरी चीज जी कैप्टन साहब ने गल की हाई कमांड के जेडे ऑर्डर ने उन्होंने एक किस्म का चैलेंज किया गया। हाई कमांड के सोनिया जी और हरीश रावत की मीटिंग तो बाद अगर ये चीज़ा कैप्टन साहब के दिमाग चीगिया मन चीगिया उन्होंने कैटागोरिकली उत्थे कह देना चाहिए सी कि मैं एक्सैप्ट नहीं करांगा जिन्हें देर नवजोत सिंह सिद्धू आ चीज़ा नहीं करता। जिस वेले प्रेजिडेंट बन गया तो उस वेले कांग्रेस पार्टी वो डिसिपलिन मनना पेगा। जो राहुल गांधी ने गल कही आ कि कांग्रेस के डरपोक तो कांग्रेस की पिठ जी छुरा मारन वाले तो इनडिसिपलिन पैदा करने वाले की कोई थान नहीं। तो इसलिए मैं एक बेनती करनी चाहना कि एक साड़ी कांग्रेस हाईकमांड का डिसीजन है उस डिसीजन के उत्ते सानू सारे नू खड़ा होना पेगा और सानू सारे नू भूमिका निभानी पेगी। हाँ जे ब्रह्म जी ने कहा हुंदा नवजोत सिद्धू नू कि मैंने दस्या नवजोत सिद्धू ने कि मैं टैलीफोन किया ब्रह्म जी ने उन्हें आख्या मैं अजे 2-4 दिन ठीक नहीं गा मैं उसके बाद मिलांगा। जे उन्होंने कहा हुंदा नवजोत इत्थे पहुँच तो मैं तेनों लैके अमरिंदर सिंह के घर जाना तो जे नवजोत ने ना की होंगी फिर ये गल पंजाब दे नाल एक नवी सियासत जुड़न जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ भज दौड़ दी गई पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू तो सारे MLA साहबान सब तो पहला गुरु घर के नतमस्तक हो जा रहे हैं। गुरु साहब का आशीर्वाद लैन जा रहे हैं। आशीर्वाद लैके पंजाब की सेवा जी अगे शुरू करनी है जो संघर्ष शुरू करना उस उत्थे गुरु नूं अरदास करके फिर चलांगे। उस तो बाद जो भी कहना मैं कहांगा मैं पहला गुरु घर जावांगा माफी मंगी जावे फिर मुलाकात होवेगी। एक तां सवाल कदे लगदा कि दो धड़ियां दी पार्टी वंडी जा रही है। मैं कहा कि पहला अज गुरु घर जा रहे हैं गुरु राजनीतिक गल नहीं करांगा सिर्फ गुरु की गल करांगा। विरोधी पार्टी कई सवाल चुक रही हुण उहनूं किदां देख रहे विरोधी पार्टी कह रही है कि पहला अपना घर दा कलेश नहीं खत्म हो रहा पहला हुण हाईकमांड दा जिहड़ा फैसला उह मन्नना चाहीदा पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी
ਕਿਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।